नमस्कार, आप ये न्यूज 18 इंडिया के साथ और मैं पायल भुवन। इस वक्त की एक बड़ी खबर, सलमान खान की फिल्म ट्यूबलाइट पाकिस्तान में प्रदर्शित नहीं होगी। पाकिस्तान के फिल्म वितरकों ने ट्यूबलाइट को प्रदर्शित करने से मना कर दिया है। दरअसल पाकिस्तानी वितरक सलमान खान के स्टारडम से डरे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस दिन सलमान खान की फिल्म ट्यूबलाइट प्रदर्शित होगी उसी दिन पाकिस्तान में वहां की दो फिल्में भी प्रदर्शित हो रही हैं। ऐसे में पाकिस्तान के वितरकों को डर है कि कहीं सलमान खान की फिल्म के आगे पाकिस्तान की फिल्मों का डब्बा गूल ना हो जाए। और फिल्म निर्माता अशोक पंडित इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। अशोक जी, सलमान खान की तो बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है पाकिस्तान में, बावजूद उसके उनकी फिल्म आपको क्यों लगता है कि वहां रिलीज नहीं की जा रही है? देखिए, ये चीज हमारे सीखने के लिए है। हम तो ये कह के थक गए कि पाकिस्तान के साथ किसी किस्म का रिश्ता नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो डिजर्व नहीं करता। हम तो ये कह रहे हैं कि उनके कलाकारों को यह काम नहीं देना चाहिए, हमने को बैन किया हुआ है। एक तरफ से जब वो लगातार हम पे आक्रमण किए जा रहे हैं, लगातार हमारे लोगों को मारे जा रहे हैं, लगातार सीज फायर वायलेशन हम पे किए जा रहे हैं, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि पाकिस्तान हिंदुस्तान की फिल्में रिलीज करेगा? ये तो हम ही बड़े भाई बन के घूम रहे हैं कि बातचीत होनी चाहिए, दोस्ती होनी चाहिए, बातचीत से काम ठीक होता है, हमें लगे रहना चाहिए। ये तो हम ये प्रवचन करते रहते हैं ना, हम आज भी नहीं ये मानने को तैयार है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है। यहाँ के नेता भी जो है उनके घर जाके उनके घरे रखते हैं, टेररिस्टों के घरों में जाते हैं, उनकी बातें करते हैं, उनकी तारीफें करते हैं। तो जब तक हम इस बात को, इस हकीकत को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट देश है, तब तक तो हम कोशिश करते रहेंगे फिल्में रिलीज करेंगे। मत देखे फिल्म हिंदुस्तान की, सलमान खान की फिल्म अगर पाकिस्तान नहीं देखेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, पूरी देश दुनिया देखने वाली है उसकी फिल्म। कहीं ना कहीं हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि पहले देश आता है, उसके बाद धंधा आता है, उसके बाद बिजनेस आता है। हम तो चीख चीख के थक गए बोल बोल के। हमने अभी रिसेंटली 10 लोगों को प्रिजनर ऑफ वॉर को उनको रिलीज किया गुडविल जेस्चर के लिए, और हम वो हमारे लोगों को लटकाने की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें अपने आप को सच बोलना सीखना पड़ेगा, हमें गलत फहमी के शिकार नहीं होना पड़ेगा जी, तब जाके हमारी समस्याएं सॉल्व होगी ना जी। अशोक जी, उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स तो ये भी कह रहे हैं कि अपने नुकसान के ऊपर वो ऐसा कोई भी हिंदुस्तानी फिल्म जो है वो वहां पे नहीं दिखाना चाहेंगे, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं डर है कि अगर सलमान खान की फिल्म रिलीज होती है तो जो दो बड़ी फिल्में वहां की यलगार और जो दूसरी फिल्म वहां पर रिलीज होने वाली है शोर शराबा, उसकी जो कमाई है वो कमी हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये उनको डर भी सता रहा है कि सलमान खान की स्टारडम उन पर हावी ना पड़ जाए। देखिए, मैं आपको बहुत हकीकत बताता हूँ कि ये फिल्म ये थिएटर पे न रिलीज करें लेकिन हर पाकिस्तानी घर में पाकिस्तानी घर में पायरेसी वाला सीडी चलेगा और पहले वो यही पिक्चर देख के तालियां हो जाएंगे, उसके बाद वो अपनी फिल्में देखेंगे। पाकिस्तान में तो हमारी यहाँ की फिल्में रिलीज होने के पहली पिक्चर जो है वो पायरेसी होकर फिल्म रिलीज आती है घरों में केबल्स पे, तो थिएटर में ना रिलीज करें, बट घरों में लोग तो देखने वाले हैं, सलमान खान को रोक नहीं सकता फिल्म देखने के लिए। बिल्कुल, पूरी कोशिश की सलमान खान की फिल्म रिलीज ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक पंडित हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात यहां पर रखने के लिए।